चलो इनकम फ्रॉम सैलरी ओके okay, पहले लास्ट लेक्चर का एक बार रिकैप कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैंने बताया था सेक्शन नंबर 15 जो कि इसका चार्जिंग सेक्शन था राइट है, और इस सेक्शन में मैंने बताया था एनी इनकम कम्स अंडर द हेड इनकम फ्रॉम सैलरी इफ वन कंडीशन आर सेटिस्फाइड बराबर है, और वो कंडीशन क्या है, देयर मस्ट बी अ रिलेशनशिप बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई। मैंने तीन एग्जाम्पल भी दिया था, मिस्टर ए एम्प्लॉई है, मिस्टर बी एम्प्लॉयर है, तो उससे होने वाली इनकम इनकम फ्रॉम सैलरी में जाएगी राइट है। मिस्टर ए जो है वो सपोज करो पार्टनर है और ए बी लिमिटेड एक पार्टनरशिप फर्म है ठीक है, अब पार्टनर को भी सैलरी मिल रही है लेकिन ये इनकम इनकम फ्रॉम सैलरी में नहीं जाएगी राइट है। तीसरा अगर कोई एमएलए है उसको गवर्नमेंट से सैलरी मिल रही है तो मिल तो रही है सैलरी लेकिन वो भी इनकम इनकम फ्रॉम सैलरी में नहीं जाएगी, वो जाएगी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में। सेक्शन 15 ने क्या बताया कि कोई भी इनकम इनकम फ्रॉम सैलरी में कब आएगी, जब एक कंडीशन सेटिस्फाइड हो। कंडीशन क्या है, देयर मस्ट बी अ रिलेशनशिप बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई राइट है। उसके बाद मैंने बताया सेक्शन नंबर 17 सब सेक्शन 1 बराबर है, डेफिनेशन ऑफ सैलरी। ये क्या बताता है, डेफिनेशन ऑफ सैलरी। तो सैलरी का मतलब मैंने क्या बताया, सैलरी का मतलब वो हर एक चीज जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को देता है उसको हम क्या बोलते हैं, सैलरी। चाहे वो उसको एडवांस में दे, चाहे वो एरियर्स हो, चाहे वो बोनस हो, चाहे वो रिटायरमेंट हो, सब चीज को हम सैलरी बोलते हैं ठीक है। तो उसमें सबसे पहले मैंने बताया था किसके बारे में, बेसिक सैलरी। तो बेसिक सैलरी क्या होती है, ऑलवेज टैक्सेबल ऑन ग्रॉस बेसिस, ये बताया था मैंने, यानी ये क्या होती है, टैक्सेबल होती है, सिंपल सी बात ये है राइट है। दूसरा मैंने बताया एडवांस सैलरी, मैंने क्या बोला था, मिला तो टैक्सेबल, नहीं मिला तो इग्नोर, यानी रिसीव हुआ तो टैक्सेबल है, रिसीवेबल होगा तो इग्नोर करेंगे। एरियर्स ऑफ सैलरी, मिला तो टैक्सेबल, नहीं मिला तो इग्नोर। उसके बाद बोनस, मिला तो इग्नोर। कमीशन, मिला तो टैक्सेबल, मिले तो भी टैक्सेबल बराबर है, नहीं मिलेगा तो टैक्सेबल, रिसीवेबल है, नहीं मिला मतलब मिलने वाला है तो भी टैक्सेबल रिसीवेबल। हाँ उसके बाद मैंने बताया था किसके बारे में, अलाउंस। अलाउंस में हमने बात की थी किसकी, दो पर्पस की। अच्छा अलाउंस का मतलब कैश बेनिफिट, और उसमें सबसे पहले मैंने बताया कट एचआरडी, कट हर्ड, सबसे पहले कन्वेंस, यू यूनिफॉर्म, ट्रैवलिंग, एच हेल्पर, आर रिसर्च, डी आपका सब क्या है, एग्जेम्प्टेड है। कितना एग्जेम्प्ट है, जितना अमाउंट खर्चा करोगे ठीक है ना, वहां पे लिख लो, नीचे लिख लेना, एग्जेम्प्ट इज इक्वल टू अमाउंट ठीक है ना, एग्जेम्प्ट सेक्शन 10 सब सेक्शन 14 के हिसाब से। अमाउंट एग्जाम कितना होगा, जितना तुम खर्चा करोगे पूरा माफ है ओके। उसके बाद आ गया था हमारा C3TH बराबर है, यहाँ पे लिख लिया एग्जाम इक्वल टू अमाउंट स्पेंड। C3TH में सबसे पहले C आ गया था कम्यूटेशन अलाउंस, जिसको हम बोलते हैं ट्रांसपोर्ट अलाउंस राइट है। नॉर्मल पर्सन है तो टैक्सेबल है राइट है, और वही हैंडीकैप होगा तो 3200 पर मंथ क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा ठीक है ना। उसके बाद आ गया नेक्स्ट सी, चिल्ड्रेन एजुकेशन अलाउंस, खबर है 100 rupees पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम 2 चाइल्ड, हम दो हमारे दो बाकी सबको फेंक दो राइट। नेक्स्ट चिल्ड्रेन हॉस्टल अलाउंस कितना, 300 पर चाइल्ड, मैक्सिमम 2 चाइल्ड। उसके बाद आ गया हमारा टी, ट्रैवल एरिया अलाउंस 200 पर मंथ। लास्ट हो गया एच, हाउस रेंट अलाउंस 10-13A, एग्जेम्प्ट अमाउंट विल बी गिवन इन क्वेश्चन, नॉट गिवन देन टैक्सेबल यस सर है। और बाकी सब 10-14 एक एचआर जाता 10-13A में, इतना मैंने बताया था। उसके बाद हमने देखा था डिडक्शन सेक्शन 6 का,
राइट है, तो 16 1 16 1 a 16 1 a 16 2 और 16 3, ये तीन देखा था यस, कितना 50,000 का डायग्राम, सेक्शन 16 2 क्या हो गया, एंटरटेनमेंट बताया था, टू पार्ट्स, गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट, गवर्नमेंट होगा तो पहले टैक्सेबल फिर डिडक्शन, गवर्नमेंट होगा तो टैक्सेबल नो डिडक्शन, नो डिडक्शन, अच्छा गवर्नमेंट है तो डिडक्शन कितना, मैक्सिमम ₹5,000 एक्चुअल अमाउंट 1.5 इनटू योर बेसिक सैलरी पर एनम व्हिच एवर इज लोअर, आया ना, ये तीनों में जो लोअर होगा। उसके बाद मैंने बताया प्रोफेशनल टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स टू पार्ट्स, पेड बाय एम्प्लॉई, पेड बाय एम्प्लॉयर, एम्प्लॉई ने पेड किया तो पहले टैक्सेबल फिर डिडक्शन, एम्प्लॉयर पेड करे सॉरी एम्प्लॉई पेड करेगा तो नॉट टैक्सेबल ओनली डिडक्शन है, एम्प्लॉयर भरेगा तो पहले टैक्सेबल फिर डिडक्शन, क्लियर है। लास्ट आ गया अपना कौन सा, हाँ वो तो हो गया कम्प्लीट, हमने एग्जाम्पल कम्प्लीट कर लिया था यहाँ तक, अपना लास्ट लेक्चर में हो गया था। ओके नो, इसमें कोई डाउट है तो पूछो मुझे। नो सर, मला खाली एवढं सांगाय, सेक्शन कसे लक्षात ठेवायचे, मी सारखी विचारते क्या सर, ये सेक्शन कैसे याद रखने का, मैं बार बार भूल रही हूँ, खाली सेक्शन भूल रही हूँ, बाकी मेरे को सब याद है। तो सेक्शन है कितने इसके अंदर, वो 10 3 13 14 काय का है ते मी सब, अभी अभी तक पूरा मिला के सेक्शन 15 है, बराबर है, हाँ हाँ है, 16 2 है, 16 3 है, बराबर है, एक 10 13 ए है एचआरए का, और एक 10 14 है, बस इतना ही तो है सेक्शन। मालूम 15 के बाद अपने 17 1 तो सेक्शन डेफिनेशन है, तो ये तुम याद नहीं रखना, तुम्हें 17 1 नहीं याद रखना है, 15 नहीं याद रखना है, लेकिन ये तो याद रखना है। अच्छा ठीक है सर, ओके चलो आगे बढ़े। नो, अगर तुम्हें इतना याद है तो पहले एक सम सॉल्व करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। ओके अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज इसमें थियरी है, मैं पहले क्लियर बोल रहा हूं विकास, अगर थियरी नहीं याद होगा तो कुछ नहीं आएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 1 लिख रहे हैं प्रियंका, क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर रहे हैं, जितना अभी हमने किया उतना याद रखना है, अगर तुम्हें नहीं याद है तो सम नहीं समझेगा, मैं क्लियरली बोल रहा हूं पहले से। पहला, फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स कैलकुलेट टैक्सेबल सैलरी ऑफ मिस्टर राजकुमार फॉर द प्रीवियस ईयर 1920, ठीक है, पहला लिखा है सैलरी, ये हमारी बेसिक सैलरी है, तो बेसिक सैलरी क्या होती है, टैक्सेबल होती है कि एग्जेम्प्ट होती है, बेसिक सैलरी, बेसिक सैलरी ऑलवेज टैक्सेबल ऑन ग्रॉस बेसिस। प्रियंका, यस सर, तो ये सैलरी है, देखो उसमें लिखा है प्रोफेशनल टैक्स डिडक्टेड इनकम टैक्स डिडक्टेड, यानी कि इस सैलरी में से ये दो चीज माइनस हुआ है, आया ना, तो हम क्या करेंगे, हम ये सबको प्लस करके टैक्सेबल करेंगे, बस समझ में आ गया। बेटा 2 मिनट सर, वेट कोई हाँ सर स्टार्ट। तो नेट सैलरी कितना है मेरा 9,000, उसमें लिखा है प्रोफेशनल टैक्स डिडक्टेड, तो मैं ऐड कर दूंगा इसमें प्रोफेशनल टैक्स कितना 200 और इनकम टैक्स, तो इनकम टैक्स भी ऐड करूंगा 200, मतलब 9,400 रुपया टैक्सेबल होगा इसको, बात समझा, हर महीने का।
प्रियंका यहाँ तक क्लियर है? यस सर। नेक्स्ट लिखा है एरियर्स ऑफ सैलरी टैक्स अर्लियर 10,000। मैंने क्या बताया था, एरियर्स ऑफ सैलरी देखो, एरियर्स ऑफ सैलरी क्या है, मिला तो टैक्सेबल, डिसेबल होगा तो इग्नोर करेंगे, बराबर है। Yes. अब को लिखा है एरियर सैलरी, ये तो नहीं लिखा है कि मिला कि नहीं मिला, लेकिन यहाँ लिखा है टैक्स अर्लियर। अच्छा, टैक्स अर्लियर का मतलब ऑलरेडी उस पर टैक्स भर चुके हैं, तो क्योंकि पहले टैक्स भर दिए तो कब क्यों भरेगा, बात समझा? नेक्स्ट, एरियर्स ऑफ सैलरी आफ्टर सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट 22,000। अच्छा, एरियर्स ऑफ सैलरी मिले कितनी, 22,000। कैसा बोला, टैक्स भरा नहीं, मिल गया ना, तो सीधा टैक्सेबल हो जाएगा, बात समझा? एडवांस सैलरी मिला तो टैक्सेबल, नहीं मिला तो इग्नोर, तो एडवांस सैलरी टैक्सेबल सीधा। ओके, एडवांस फॉर परचेज ऑफ फर्नीचर। अच्छा, मेरे बॉस ने मेरे को एडवांस पैसा दिया और बोला जाके फर्नीचर खरीद लेना, तो ये मेरी इनकम है क्या? नहीं ना, तो इग्नोर, मेरी इनकम के ऊपर तो टैक्स भरूंगा, ये मेरी इनकम ही नहीं है। नेक्स्ट, ही टुक एडवांस सैलरी 50,000 अकाउंट फॉर डॉटर मैरिज। अच्छा, इसने एडवांस में सैलरी ले ली अपने बेटी के मैरिज के लिए, क्या ये एडवांस सैलरी है? यस सर, टैक्सेबल है, बात खत्म, राइट? बोनस रिसीव्ड 15,000 रुपया, ठीक है ना, तो बोनस मिला ना, तो टैक्सेबल, तो टैक्सेबल है। अच्छा, बोनस रिसीव 38,000 नेट, टीडीएस कटा है 12,000 रुपए का। अच्छा, बोनस फिर से मिला है तो क्या हो जाएगा, टैक्सेबल, टैक्सेबल। अच्छा, जितना जितना टैक्सेबल है मेरे को वही लिखना है, और जो इग्नोर है मैं उसको नहीं लिखूंगा, क्लियर है? यस सर। चलो अब सम सॉल्व करते हैं, ये जस्ट बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है ना? अब देखो क्वेश्चन क्या सॉल्व करना है, ये आ गया नेम ऑफ असेसी, तो असेसी का नाम क्या है, मिस्टर राजकुमार, प्रीवियस ईयर 1920 और असेसमेंट ईयर 2021, ठीक है ना, ये आ जाएगा स्टेटमेंट ऑफ या स्टेटमेंट इनकम फ्रॉम सैलरी, ठीक है। तो जो जो टैक्सेबल उसको लिखना है, तो सबसे पहले क्या दिख रहा है, सबसे पहले दिख रहा है हमको बेसिक सैलरी, और इसकी बेसिक सैलरी थी 9,000, बराबर है, सैलरी तो मतलब बेसिक सैलरी, हाँ, तो 9,000 में ऐड करेंगे इसका प्रोफेशनल टैक्स, वेट अ मिनट, हमको पूरे साल का लेना है, तो 9,000 × 12 कितना आ जाएगा, 1,08,000। अब इसमें ऐड कर देंगे प्रोफेशनल टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स कटा है ना, yes. कितना, 200 × 12 2,400 ऐड कर देंगे इनकम टैक्स, कितना, 200 × 12 2,400। आउटर कॉलम में आंसर ले लो इसका, 1,12,800। यहाँ तक कोई तकलीफ, बस चलो ये हमारा पहला खत्म। नेक्स्ट, नेक्स्ट लिखा हुआ है, तो ये हो गया हमारा, ये हो गया, ये हो गया। नेक्स्ट, एरियर्स ऑफ सैलरी, तो वो इग्नोर है ना, तो इग्नोर तो नहीं लिखेंगे। उसके नीचे है एरियर्स ऑफ सैलरी आफ्टर सेटलमेंट डिस्प्यूट, तो एरियर्स ऑफ सैलरी, तो एरियर ऑफ सैलरी कितना मिला, 22, तो सीधा आउटर कॉलम में 22,000, ठीक है। नेक्स्ट, फिर क्या मिला, वापस से एडवांस सैलरी, चलो 18,000, उसके बाद वापस से एडवांस लिया, देखो 50,000 का आगे से एक और है, तो दोनों को प्लस करके लिखा, 68,000
3000. ओके नेक्स्ट बोनस रिसीव. बोनस रिसीव किया है कितना पहले 15000 ना. यस सर. अब देखो ये इंपॉर्टेंट है, उसको यहाँ पे बोनस कितना मिला 38000. टीडीएस कितना कटा 12000. प्लस करके लिखने का ठीक है. अच्छा, okay. मैं बोलूंगा बोनस को 50000 मिला है. तो 50 तो पूरा मिला के कितना बोनस मिला 65000. यहाँ तक को प्लस करो, इसको हम बोलेंगे ग्रॉस सैलरी. क्या बोलेंगे? ग्रॉस सैलरी. कितना होता है 2,67,800. यहां तक समझा प्रियंका? यस. ओके अब क्या करेंगे? लेस करेंगे डिडक्शन अंडर सेक्शन 16. ठीक है, ये चाहे सब में हो या ना हो तुमको करना ही है, लिखना ही है. ठीक है, तो सबसे पहला क्या आ गया? सेक्शन 16 सब सेक्शन 1A स्टैंडर्ड डिडक्शन. तो स्टैंडर्ड डिडक्शन डायरेक्टली 50000 माइनस करना है. तो सीधा मैंने 50 माइनस कर दिया, कोई तकलीफ? नो सर. नेक्स्ट सेक्शन 16 सब सेक्शन 2 एंटरटेनमेंट अलाउंस. पहली चीज, इसको एंटरटेनमेंट अलाउंस मिला है क्या? क्या सब में कभी एंटरटेनमेंट है? नहीं है. तो ये हो गया नील, समझाइए. और नेक्स्ट आ गया सेक्शन 16 सब सेक्शन 3, ये हो गया प्रोफेशनल टैक्स. अच्छा, प्रोफेशनल टैक्स है क्या सब में? देखो जरा प्रोफेशनल टैक्स. अब क्वेश्चन आते हैं, देखो प्रोफेशनल टैक्स मैंने क्या बोला था, पेड बाय एम्प्लॉय, पेड बाय एम्प्लॉय, राइट है? यस सर. अब देखो यहाँ पर बोला प्रोफेशनल टैक्स डिडक्टेड, यानी मेरी सैलरी से 200 रुपया प्रोफेशनल टैक्स डिडक्ट हुआ है ना? यस सर. इसका मतलब प्रोफेशनल टैक्स कौन भर रहा है, मैं भर रहा हूँ कि बॉस भर रहा है? विकास, मेरी सैलरी में से 200 रुपया कटा है तो आप भर रहे हो. मैं भर रहा हूँ कि बॉस भर रहा है? भर रहा हूँ ना. यस सर. समझा? अगर विकास की सैलरी 10000 है, मैं 1000 रुपया कट कर रहा हूँ, तो इसका मतलब 1000 रुपया कौन भर रहा है, विकास भर रहा है कि बॉस भर रहा है? कोई भर रहा है ना. तो सेम यहाँ पे वही चीज हो रही है, तुम्हारी सैलरी 9000 मिली क्या कट होने के बाद? तो सेम चीज, प्रोफेशनल टैक्स डिडक्ट हुआ यानी आपने भरा है. तो एम्प्लॉई अगर प्रोफेशनल टैक्स भरता है तो उसमें देखो दो चीज बोला था, पहले टैक्सेबल फिर डिडक्शन, है ना? यही लिखाया था. देखो यहाँ पे पहले टैक्सेबल हुआ यानी ऊपर मैंने ऐड किया, राइट है? ऊपर देखो ऐड किया, अब नीचे क्या करेंगे? लेस. कितना? 2400. एक बार ऐड एक बार लेस. चलो कितना आता है प्लस माइनस करके? ये आ जाएगा टैक्सेबल इनकम फ्रॉम, टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी 2,15,400. चलो हो गया हमारा सॉल्यूशन. अच्छा सर, हे डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 50000 स्टैंडर्ड डिडक्शन मध्ये कुठून आले? वो फिक्स है, वो देना ही है. अच्छा हां ठीक है, बाय डिफॉल्ट फिक्स है. पहले ऐसा नहीं था, लास्ट 2 इयर्स ऐसा हो गया. ठीक है ना, चलो फटाफट लिखो. ओके क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 में सबसे पहली चीज, जितना अभी थ्योरी कराया है वहां तक तुमको याद ही होना चाहिए. विकास पहले बहुत स्पेशली बोल रहा हूँ, अगर थ्योरी नहीं याद होगी नहीं समझेगा. और आज से 6 बजे तक इधर ही है फिर. करेक्ट सर, डॉक्टर सर उधर ही उसको. यस. क्वेश्चन नंबर 2, मिस्टर मोहित गुप्ता हु इज एम्प्लॉयड विद महाराष्ट्र गवर्नमेंट. अच्छा, ये कहाँ जॉब कर रहा है? महाराष्ट्र गवर्नमेंट. मतलब कौन सा एम्प्लॉई है? गवर्नमेंट एम्प्लॉई है. ये क्लियर है प्रियंका? यस सर. गिव द फॉलोइंग डिटेल्स फॉर द प्रीवियस ईयर 1920. सबसे पहले लिखा बेसिक सैलरी पर मंथ. अच्छा, बेसिक सैलरी क्या होती है? टैक्सेबल होती है कि इग्नोर होता है कि एग्जम्प्ट होता है? क्या होता है बेसिक सैलरी?
टैक्सेबल ऑन ग्रॉस बेसिस. टैक्सेबिलिटी बात समझा? यस सर. नेक्स्ट लिखा डियरनेस अलाउंस. तो अलाउंस की थ्योरी में जाके देखो क्या मैंने ये नाम लिखाया है. नो सर. टैक्सेबल है बात समझा? नहीं है तो टैक्सेबल. नहीं है तो टैक्सेबल है. ठीक है. यूनिफॉर्म अलाउंस लिखा है क्या? सर थोड़ा स्लो मोशन मध्ये का गेले. नेट का इशू है. ओके यूनिफॉर्म अलाउंस 6000 है ना. देखो यहाँ पे क्वेश्चन में देखो यूनिफॉर्म अलाउंस कितना है 6000. उसके देखो एंड में मैंने लिखाया है एग्जम्प्ट कितना होगा जितना तुम खर्चा करोगे. तो यहाँ पे खर्चा कितना हुआ? स्पेंड 4000. तो टैक्सेबल कितना होगा? 2000 टैक्सेबल. बात समझा? यस. ओके नेक्स्ट रिसर्च अलाउंस लिखा है क्या मैंने? रिसर्च अलाउंस यस सर. यस. तो कितना है ये? 500 है. और खर्चा कितना किया? 200 रुपया टैक्सेबल. बात समझा? नेक्स्ट एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन टू एसपीएफ. एसपीएफ का मतलब होता है स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड. ओके अभी हमने इसके बारे में पढ़ा नहीं है. फिलहाल मैं इसको क्या कर रहा हूँ, मैं इसको एग्जेम्प्ट कर रहा हूँ. ठीक है उसके बारे में मैं बताऊंगा थोड़ी देर के बाद. दोनों को एग्जाम कर रहा हूँ. सेक्शन 10 11 सेक्शन 10. ओके नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन एसपीएफ इसको भी मैं एग्जाम कर रहा हूँ. 10 11. ये तीन चीज मैंने बताई नहीं है तो इसको थोड़ा सा साइड में रखता हूँ. नेक्स्ट चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस है क्या? हाँ तो यहाँ पर कुछ रूल्स है तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ. हाँ वो अब जब सॉल्व करेंगे तब देखेंगे इसके बारे में. जब सॉल्व करेंगे ना तभी देखेंगे. ठीक है नेक्स्ट एंटरटेनमेंट अलाउंस. एंटरटेनमेंट अलाउंस है सेक्शन 16 सब सेक्शन 3 बराबर है. क्या बोला था मैंने? गवर्नमेंट होगा तो पहले टैक्सेबल बराबर, फिर डिडक्शन. गवर्नमेंट है तो पहले मैंने टैक्सेबल लिखा फिर डिडक्शन लिखा. कोई तकलीफ? नेक्स्ट कम्यूटेशन अलाउंस. मैंने क्या बोला था? कम्यूटेशन अलाउंस नॉर्मल पर्सन होगा सीधा टैक्सेबल है. यस सर. नॉर्मली है, कुछ बोला तो है नहीं तो ये सीधा टैक्सेबल होगा. इसमें 700 रुपए नहीं देखना है. बात समझा? हाउस रेंट अलाउंस 800 रुपए पर मंथ. मैंने क्या बोला था? एग्जेम्प्ट अमाउंट विल बी गिवन इन अ क्वेश्चन. देखो यहाँ पे अमाउंट एग्जेम्प्ट 500 रुपया. तो 800 में से 500 माइनस हुआ तो कितना बच गया? 300 टैक्सेबल. ठीक है नेक्स्ट मेडिकल अलाउंस. ऐसा कुछ लिखा है क्या मैंने मेडिकल अलाउंस? नहीं ना, तो सीधा टैक्सेबल. बोनस रिसीवेबल. बोनस रिसीवेबल तो बोनस में जाके बोनस रिसीवेबल है तो क्या होगा? इग्नोर. इग्नोर खत्म. समझाइए वापस बताओ क्या नहीं समझा? नो सर. एंटरटेनमेंट का रूल्स देखो सेक्शन 16 सब सेक्शन 3. एंटरटेनमेंट पर क्या लिखा है एंटरटेनमेंट के बारे में? क्या है? गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट. तो गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय ना ऊपर लिखा था देख. अच्छा फिर ये दोनों टैक्सेबल और डिडक्शन. तो टैक्सेबल और डिडक्शन माइनस माइनस डिडक्शन मतलब माइनस ही होता है ना. ठीक है ना. चलो अब स्टार्ट करते हैं. अब इसको सॉल्व करते हैं. नेम ऑफ असेसी क्या नाम है? मोहित गुप्ता. प्रीवियस ईयर 1920, असेसमेंट ईयर 2021. सबसे पहले आ गया बेसिक सैलरी. ठीक है क्वेश्चन देखो अच्छे से. बेसिक सैलरी कितना है हर महीने का? 8000. तो 8000 इंटू 12
कितना आता है 96,000 नहीं 1,08,000 पक्का चल नेक्स्ट बेसिक सैलरी के बाद डीएनएस अलावेंस डीएनएस अलावेंस भी टैक्सेबल है कितना है 1,000 तो 1,000 इंटू 12,000 नेक्स्ट यूनिफॉर्म अलावेंस सीधा कितना हो गया देखो यूनिफॉर्म अलावेंस में 6,000 रुपए मिला था आया ना प्रियंका अब इसका सेक्शन है तो लेस एग्जेम्प्ट सेक्शन 10 सब सेक्शन 14 कितना माइनस हुआ 4,000 तो आउटर कॉलम में आ गया 2,000 बात समझा टैक्स 2,000 ही हुआ तो जिसमें से कोई चीज माइनस होगी तो उसको मैं इनर में लिख के माइनस करके आउटर में लूंगा वही तो किया है 6,000 माइनस 4,000 2,000 राइट है ना सिर्फ सेक्शन लिखा है मैंने ये इंपॉर्टेंट है ओके नेक्स्ट लिखा है रिसर्च अलावेंस तो रिसर्च अलावेंस कितना मिला इसको 500 लेस करेंगे एग्जेम्प्ट सेक्शन 10 सब सेक्शन 14 कितना 300 बराबर पर मंथ में है सॉरी ये पर मंथ में है अमाउंट तो पहला आएगा 500 इंटू 12 6,000 एग्जेम्प्ट सेक्शन 10 सब सेक्शन 14 हर महीने का कितना 200 तो 200 इंटू 12 2,400 माइनस करने के बाद जो बचेगा 3,000 ठीक है ओके ये क्वेश्चन में ये नहीं है सिर्फ ये अमाउंट ही था 4,000 और 6,000 ओके नेक्स्ट आ गया अपना एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन इसके बारे में मैं बाद में बताऊंगा एम्प्लॉय ने कॉन्ट्रीब्यूट किया तो इग्नोर कर देंगे क्योंकि उसका खर्चा है एम्प्लॉयर ने कॉन्ट्रीब्यूट किया है तो एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू एसपीएफ कितना अमाउंट है 8,000 है ना 8,000 पर मंथ है तो 8,000 इंटू 12 6,000 less exempt section 10 subsection 11 96,000 ये एक सेक्शन के बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे थोड़ी देर में नहीं उसके बाद इंटरेस्ट मिला है ना यस सर इंटरेस्ट ऑन एसपीएफ कितना है 1,200 रुपया बराबर है यस सर तो ये भी क्या है less exempt section 10 subsection 11 1,200 आउटर कॉलम मिली ठीक है नेक्स्ट चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस चिल्ड्रन बनोटिंग एजुकेशन अलाउंस हाँ कितना मिला उसको 7,200 अपना रूल क्या है लेस एग्जेम्प्ट सेक्शन 10 सब सेक्शन 14 कितना रुपया अलाउड है एक बच्चे को एजुकेशन का 100 रुपया 100 इंटू 12 इंटू 2 चाइल्ड तो 100 इंटू 12 इंटू 2 2,400 मेरे यहाँ से माइनस हो गया कितना आ गया 4,800 हाँ सर राइट है बात समझा उसको मिल कितना रहा है 7,200 माइनस कितना होगा जो अपना रूल है नेक्स्ट आ गया क्या एंटरटेनमेंट अलावेंस तो अलावेंस एंटरटेनमेंट अलावेंस क्या होता है टैक्सेबल पहले फिर डिडक्शन ना तो कितना मिला उसको 500 रुपए हर महीने का मतलब 6,000 रुपया ठीक है नेक्स्ट एंटरटेनमेंट के बाद क्या है कम्यूटेशन अलावेंस टैक्सेबल है सीधा Yes, sir. कितना अमाउंट है 900 इंटू 12 10,800 Yes, sir. चलो नेक्स्ट हाउस रेंट अलाउंस एचआरए कितना मिल रहा है 800 पर मंथ
ठीक है। अब इसमें से क्या कर दो, लेस एग्जेम्प्ट सेक्शन 10-13A, कितना में हर महीने का माफ करना, 500 212 माइनस, तो आउटर कॉलम कितना आ गया, 3600। ठीक है, नेक्स्ट मेडिकल अलाउंस, मेडिकल अलाउंस सीधा टैक्सेबल है, 300, तो 300 × 12 कितना आ गया, 3600। बोनस रिसीवेबल तो इग्नोर था, चलो खत्म। ये हो गया हमारा टैक्सेबल, सॉरी ये आ गया हमारी ग्रॉस सैलरी, क्या आ गई, ग्रॉस सैलरी सैलरी। चलो सबको पहले प्लस कर देते हैं, प्लस करो 96,000 प्लस 12,000 प्लस 2,000 प्लस 6,000, सर वर्ती करा 1,42,400। हाँ सर 1,42,400 1,42,400 ठीक है। अब लेस करेंगे इसमें से डिडक्शन अंडर सेक्शन 16, तो 16-1A 16-2 और 16-3 बराबर है, तो 16-3 पहला स्टैंडर्ड डिडक्शन सीधा कितना, 50,000। दूसरा एंटरटेनमेंट अलाउंस, एंटरटेनमेंट अलाउंस है क्या, यस सर है ना, 500। तो ये आ जाएगा वर्किंग नोट नंबर 1 से, कहां से आएगा, वर्किंग नोट नंबर 1, मैं यहां पे वर्किंग नोट नंबर 1 करूंगा। और दूसरा आ जाएगा प्रोफेशनल टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स है क्या, नो सर, सिर्फ मुझे एक अमाउंट निकालना है, कौन सा, एंटरटेनमेंट अलाउंस, राइट है, चलो तो कैलकुलेट करते हैं एंटरटेनमेंट अलाउंस वर्किंग नोट नंबर 1 से। वर्किंग नोट नंबर 1 मैंने क्या बताया था एंटरटेनमेंट के बारे में, रूल नंबर 1 मैक्सिमम रुपीस 5,000, दूसरा अमाउंट, राइट, और तीसरा 1/5 × your बेसिक सैलरी, ये रूल था, यस सर। तो एक्चुअल अमाउंट कितना है, 5,000, सॉरी मैक्सिमम कितना, 5,000 एक्चुअल अमाउंट, देखो एक्चुअल मतलब जो क्वेश्चन में दिया है उसको कितना मिला, 6,000 मिला ना एंटरटेनमेंट सर, नो 500 मिला, 500 × 12 6,000 मिला ना हर महीने साल का, तो हम साल की बात करेंगे 6,000 1/5 × बेसिक सैलरी, उसकी बेसिक सैलरी कितनी है, देखो जरा बेसिक सैलरी 96,000 राइट, हाँ, तो 96,000 डिवाइड बाय 5 चलो तो 1,42,400 में से 55,000 माइनस करो, ये आ गया हमारा ये हमारा आंसर आ गया, समझा, राइट है, इसलिए बोल रहा हूँ सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, थियरी, विदाउट थियरी कुछ नहीं समझेगा, चलो फटाफट लिखो।